नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआर एग्जाम डेट की। आखिर कब होगा एग्जाम? कुछ यूट्यूब पर टीचर बता रहे हैं 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में होगा, कुछ बता रहे थे अक्टूबर में हो ही जाएगा, कुछ बता रहे नवम्बर में होगा, दिसंबर में होगा, या एग्जाम होगा ही नहीं, या ईएमआर की झूठी वैकेंसी है। इन सभी की जानकारी लेंगे अपन आज की वीडियो में। देखिए, फॉर्म फिल हुए काफी दिन हो गए हैं, देखा जाए तो एग्जाम हो जाना चाहिए था। केवीएस, एनवीएस, डीएसएस भी इतना ही टाइम देते हैं सीटेट तक, ताकि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, इतना ही टाइम देते हैं सारे। पर ईएमआर का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? सबको पता, स्टे लगा हुआ था, स्टे हटा दिया गया है और प्रक्रिया आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। अब आखिर होगा कब एग्जाम, इसकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटिव हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो ईएमआर से लेके, किसी भी एग्जाम से लेके, उसी सभी की। तो बात करें कि होगा कब एग्जाम, आखिर कब होगा एग्जाम। कोई कुछ बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर से, इतने कब से 7 अक्टूबर को होगा या 14 अक्टूबर को होगा। तो देखिए, ये तो सरासर झूठ है एकदम कि 7 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होना, क्योंकि अगर होना होता तो आज 5 तारीख है, 6-7 आपके एडमिट कार्ड आ गए होते। एडमिट कार्ड छोड़ो, पहले करेक्शन की विंडो भी ओपन नहीं हुई ईएमआर के तक, तो अब तक सुधार प्रक्रिया भी नहीं हुई। क्या सुधार प्रक्रिया? सुधार प्रक्रिया, जिन बच्चों को फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक रह गई थी, कुछ नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी चीज में अगर कोई मिस्टेक रही है, तो उनको सुधार करने के लिए हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, पहले उसमें सुधार करने के लिए 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन जितना भी देना चाहे बोर्ड, उसके हिसाब से देता है कि बच्चे ने कोई गलती की है तो उसमें सुधार हो जाए। पहली बात तो इसमें देखा जाए तो एक नंबर तो सुधार प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई। इस महीने में एग्जाम देखा जाए अक्टूबर में एग्जाम के, अक्टूबर में 0.00% चांस है, कितने 0.00% चांस है इस महीने में ईएमआर का एग्जाम नहीं होगा। अगर इस महीने में नहीं होगा तो आखिर होगा कब, इस वर्ष होगा या नेक्स्ट वर्ष? तो देखिए, किसी को भी पता नहीं है फिलहाल। सच्ची बात तो यह है कि यहां तक कि मुझे भी पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। पहले आपको करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, जैसे ही आपकी करेक्शन विंडो का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पहले तो ईएमआर का जो संगठन है वो, और दूसरा जो कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, केवीएस का करवाती है वो करवाएगी, एनवीएस का करवाती है वो करवाएगी, यहां तक कि इसका भी पता नहीं है कि एग्जाम करवाएगा कौन। सच्ची बात तो ये है कि किसी को भी नहीं पता है, सब जहां आ रहा वहीं टोरे मार रहे, किसी को नहीं पता, किसी के बहकाव में ना आए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जैसे ये पता चलेगा कि ये वाला बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आपका एग्जाम कब होगा। सब तुक्के मार रहे नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। ये भी संभावनाएं, मैं निश्चित नहीं बोल रहा, क्योंकि बच्चों के बहकाना एक गलत बात है। गलत क्या? सरासर गलत बात। तैयारी करते हैं उन बच्चे, कई बच्चे मोटिवेट होते हैं, कई डीमोटिवेट होते हैं। जिनकी तैयारी नहीं है वो डीमोटिवेट होंगे, जिनकी तैयारी है वो मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई एग्जाम डेट आ गए, जल्दी सी करें, वो बता रहा वो होता। तो बहकाओं में ना है, किसी को भी कोई पता नहीं एग्जाम डेट का, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जिसकी तैयारी है उसका सिलेक्शन होगा, जिसकी नहीं है भाई उसका तो होगा ही कैसे। तो अपनी तैयारी पे ध्यान दें, इन बातों पे ध्यान ना दें। हर रोज हर यूट्यूबर हर टीचर यही बता रहा है, ईएमआर से एग्जाम डेट अपडेट, ईएमआर का नया बयान, ईएमआर का नया समझौता, ईएमआर की नई मीटिंग। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा, किसी को भी नहीं पता, सारे व्यू के चक्कर में कर रहे हैं। यहां तक कि मेरी भी देखा जाए तो मुझे भी नहीं पता ईएमआर का एग्जाम कब होगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी में जारी रहें और जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, जो ईएमआर की विशेष तैयारी कर रहे हैं। सभी का ऑल द बेस्ट।